नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्वाति। बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ की। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा दौरे पर हैं, ताज की नगरी में वो 2 घंटे तक इस दौरान रुके रहे। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा कमिश्नरी चौराहे पर सबसे पहले हर हर तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद आगरा मेट्रो के कार्यों का उनके द्वारा निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ मेट्रो डिपो पर पौधारोपण और आगरा की मेट्रो ट्रेन मॉडल का वर्चुअल अनावरण भी किया गया। ये दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। आप इधर जाइए। थोड़ा सा हल्ला ही सामने से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक दिवसीय दौरे पर। इससे पहले बाइक रैली का शुभारंभ किया। आप देख सकते हैं कि मेट्रो रेल परियोजनाएं उसमें जो 8,000 करोड़ से अधिक की जो योजना है उसका शुभारंभ यहां करने पहुंचे। सबसे बड़ी बात आप देख सकते हैं कि आप यहां पहुंचे हुए हैं और जो मेट्रो ट्रेन है उसका यहाँ शुभारम्भ योगी आदित्यनाथ करेंगे। और इसके बाद जो कार्यक्रम है एक वृक्षारोपण भी यहाँ करेंगे। वृक्षारोपण के बाद जो आगरा में प्रशिक्षण शिविर है उस शिविर में शामिल होने योगी आदित्यनाथ जी पहुँचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचे हैं यहाँ, जो मेट्रो ट्रेन है उसका वर्चुअल यहाँ शुभारंभ भी करेंगे। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे पहले जो बाइक रैली थी उसका शुभारंभ यहाँ किया है। उसके बाद स्थलीय निरीक्षण करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँचे हैं। इसके बाद जो कार्यक्रम है एक वृक्षारोपण भी करेंगे। वृक्षारोपण के बाद सबसे बड़ी बात आपको बता दूँ कि वृक्षारोपण के बाद जो आगरा में चल रहा जो प्रशिक्षण शिविर है उसमें अंतिम जो सत्र है उसमें भी सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा।